क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपको भी एक ट्रीटमेंट RIRS के बारे में बताया गया है, आप सोच के हैरान हो गए हैं कि मैं कोई भी प्रोसीजर अपनी किडनी पे क्यों कराऊं, कहीं इस प्रोसीजर से जो लेजर ट्रीटमेंट RIRS है कहीं मेरी किडनी तो डैमेज नहीं हो जाएगी। नमस्कार, क्या आपको भी किडनी स्टोन्स हैं और आपको भी एक ट्रीटमेंट RIRS के बारे में बताया गया है, RIRS आप सोच के हैरान हो गए हैं कि मैं कोई भी प्रोसीजर अपनी किडनी पे क्यों कराऊं, कहीं इस प्रोसीजर से जो लेजर ट्रीटमेंट RIRS है कहीं मेरी किडनी तो डैमेज नहीं हो जाएगी, मेरी किडनी पे कोई लेजर फायर अगर हो गई तो उसमें नुकसान तो नहीं आ जाएगा। चलिए इसी पे आज हम बात करेंगे कि RIRS में किडनी को कितना नुकसान होता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर दीपांशु गुप्ता, मैं सीनियर यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट हूँ क्योरस्टोन के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हमको समझना होगा कि RIRS प्रोसीजर, रिट्रोग्रेड इंट्राइनल सर्जरी, ये होती कैसे है। अगर हमको ये समझ में आ गया ये होती कैसे है, तब हमको ये समझ सकते हैं कि इससे हमारी किडनी को कितना नुकसान होगा। देखिए, हमारे शरीर में जितना भी पेशाब बनता है वो किडनी में बनता है, और वो एक बहुत पतली सी पाइप जिसे हम यूरेटर बोलते हैं, उस पाइप से होकर हमारे पेशाब की थैली तक जाता है, और फिर कुछ समय वहां रहने के बाद वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। RIRS में इस रास्ते से हम उल्टा चलते हैं, मतलब सबसे पहले हम पेशाब के रास्ते में एक फ्लेक्सिबल पतली दूरबीन को लेकर जाते हैं, फिर हम पेशाब की थैली में जाते हैं, फिर वहां से हम यूरेटर पाइप में एंटर करते हैं, और फिर किडनी तक पहुंचते हैं, और किडनी में पहुंचने के बाद एक पतली, बाल के जितनी पतली फाइबर से हम स्टोन्स को तोड़ते हैं। तो इस प्रोसेस में आप देख रहे हैं कि हम सिर्फ नेचुरल रास्ते का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस रास्ते से पेशाब नॉर्मली निकलता है उसी रास्ते में हम उल्टा जाकर पत्थर को तोड़कर निकाल रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोई भी इंसिजन नहीं है, कोई भी कट, चीरा, चीरफाड़ कुछ भी नहीं है, कोई ऑर्गन के ऊपर भी, जैसे पीसेल में हम छेद कर रहे हैं, ओपन सर्जरी में हम कट कर रहे हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में भी हम कट कर रहे हैं, तो वो RIRS में कुछ भी नहीं है। इसलिए नेचुरल रास्ते का इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो इसमें कोई भी इस प्रकार की दिक्कत यूजली नहीं आती है। RIRS में पहले बहुत दिक्कतें आती थी क्योंकि मोटी दूरबीनों का इस्तेमाल किया जाता था, तो पाइप छिलने के आसार रहते थे और पाइप में स्ट्रिक्चर बनने के भी आसार रहते थे। लेकिन पिछले 4 या 5 सालों से हम ऐसी दूरबीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा तो फ्लेक्सिबल हैं और बहुत ज़्यादा पतली हैं। अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक का साइज इतना मोटा है, इतना बड़ा है, तो हमारी दूरबीन इतनी रहती है जो कि उसमें आराम से चली जाए। सबसे पहला पॉइंट है ये। दूसरी चीज, पेशेंट एक सवाल पूछते हैं कि सर कहीं लेजर हमारी किडनी को टच कर गई और हमारी किडनी में कोई इंजरी हो गई तो क्या करोगे। बिल्कुल ठीक बात है कि स्टोन को तोड़ते तोड़ते हो सकता है लेजर किडनी के टिश्यू पे लग जाए। ये सारी लेजर्स बहुत सेफ लेजर होती हैं। अगर सपोज ये आपके स्टोन की बजाय थोड़े से टिश्यू के ऊपर भी अगर लग जाती है तो उतनी ही इंजरी करती है जितनी की जब आप एक शुगर नापते टाइम अपने को एक नीडल से प्रिक करते हैं, उतनी ही इंजरी होती है, और उससे कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट में आपकी किडनी को नुकसान नहीं पहुंचता है। ये इंजरी कुछ ही समय में भर जाती है। आजकल RIRS में जो टेक्नोलॉजी आई है जिसे हम फैंस RIRS बोलते हैं, उसमें इंट्रारिनल प्रेशर, किडनी का जो पानी का प्रेशर है वो भी कम रहता है। प्रेशर कम होने की वजह से इन्फेक्शन के चांसेस भी काफ़ी कम हो गए हैं। फ्रैगमेंट स्टोन के रिटेंशन, वहाँ पर पड़े रहने के जो चांस होते थे वो भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो कुल मिलाकर RIRS किडनी स्टोन ट्रीटमेंट में एक रेवोल्यूशन है। ये 30 mm से लेके 35 mm तक के स्टोन को एक ही बार में निकाल सकती है, डिपेंड करेगा स्टोन के बाकी पैरामीटर्स क्या हैं, और पेशेंट नेक्स्ट डे अपने घर जा सकते हैं। तो कुल मिला के यही मैं बताना चाहूँगा कि RIRS में किडनी सेफ रहती है अगर आप सेफ सर्जरी करवा रहे हैं तो। ऐसी और किडनी स्टोन से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें द क्योर स्टोन के साथ। धन्यवाद।